आपके पैसे जल्दी रिकवर हो जाए, ब्रीड भी ज्यादा तेजी से आए और जल्दी आए, तो उसके लिए लवबर्ड नंबर वन पर, नंबर टू पर जावा। जावा तो माशाल्लाह से पूरा साल ब्रीड करती जाती है। हाँ जी, ब्रीड तो सारे बर्ड करते हैं हम, अगर बॉक्स ना भी उतारे सब करते रहेंगे, लेकिन हम ना हबस के महीनों में उतार देते हैं। लेकिन जब एक नया बंदा किसी भी काम में आएगा ना, उसको किसी चीज के बाद बहुत नॉलेज नहीं होती। जब मैं नया आया था, मुझे ये नहीं था पता पिंजरे किधर से बनते हैं, परिंदा किधर से लेना, मार्केट से लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और मुझे ये नहीं था पता कि कौन से टाइम पे कौन सा बर्ड इन्वेस्टमेंट करनी है। तो उसके लिए ना आपको एक उस्ताद को आना पड़ेगा। अगर आप लवबर्ड की बात करते हैं जी, तो आप कमर्शियल बर्ड पर वर्किंग करें, लेकिनो अल्बाइनो रेडाइस, अल्बाइनो ब्लैक एज जो स्प्लिट होते हैं रेडाइस के, जी जी, वो पेड़ लगा लें, ठीक है। और उसके अलावा अल्बिनो रेडाइस की तरफ आ जाए आप, और अल्बिनो रेडिस को हमें प्योर कभी भी रेड टू रेड नहीं लगाना, हमेशा उसको ब्लैक के साथ लगाया जाता है। जी जी, आप सबसे बेहतरीन आज मैं आपको वर्किंग देने जा रहा हूँ। जी जी, तो शायद बहुत कम लोगों ने दी होगी, जिससे बहुत अच्छी अर्निंग होती है। जी, अगर आप, मैं कहूँगा वो 100 पेयर भी आप लगा लें, अगर आपको इन्वेस्टमेंट है जी जी, तब इंशाल्लाह ताला अगले साल में दुआएं करेंगे। इजीली बर्ड सेल हो जाते हैं, तीन महीने मुझे आज तक मार्केट जाने की जरूरत। आजकल बाहर हालात बहुत खराब है, पाकिस्तान के हालात मुल्क जो था ना, काफी डिफॉल्ट हो चुका हुआ था, लेकिन शो नहीं करवाया जाता ताकि जो है ना ज्यादा मामला खराब ना हो। लेकिन हमें फिर क्या करना, हमने क्या किया, हमने कुछ भी नहीं किया जी। और हम, अब हमें करना होगा, अब हमें साथ साथ अगर हम जॉब का ना, तो हमारे जारी बात है, जब डॉलर ऊपर गया हर चीज का रेट डबल हो गया। कुकिंग ऑयल जो पहले 150 का आता था, आज हम, मैं कल लेके आया हूँ, 630 का आया, कितना फर्क पड़ गया। पे तो आपकी उतनी है जी। तो आपको आगे बढ़ने के लिए अपने शॉर्ट शॉर्ट जो है ना, इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ेगी। अब ये ऐसी इन्वेस्टमेंट है, देखिए सुबह आपने एक घंटा देना है, आप सुबह उठे फजर की नमाज पढ़े, अल्लाह को याद करें, कुरान की पढ़े, सीधे ऊपर है रिस्क। अल्लाह ताला कहते हैं फजर के टाइम अल्लाह ताला रिस्क मानते हैं, और हम लोग अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ दसर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शॉर्ट बिजनेस आइडिया। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। तो भाई, सबसे पहले तो हमारे व्यूअर्स को अपना मुझसे तारफ करवाइए और अपनी लोकेशन भी शेयर कर दें। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद अवैस खालिद है, और फेसबुक पे मेरी आइडिया अवैस बर्ड के नाम से आप सर्च कर सकते हैं, और मेरी लोकेशन है भगवानपुरा सिंहपुरा स्टॉप लाहौर, और मेरा फ़ोन नंबर है 0334-9713433। तो अवैस भाई, आप हमारे व्यूअर्स को ये बताइएगा कि आप जो हैं लव बर्ड में कैसे आए, कैसे आपकी एंट्री हुई इसमें? मेरी एंट्री तकरीबन 2014 में हुई थी, जब मैं अपने एक दोस्त के साथ गया था, मुझे याद पड़ता है। तो उसने मुझे बताया था कि आओ मैं तुम्हें ना एक शेड का विजिट करवाता हूँ। तब मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी होती जी जी, तो क्योंकि तब मैं पढ़ रहा था, तो मैं, मेरा उनके दोस्त की तरफ आना जाना हुआ था। माशाल्लाह उस टाइम पे उनके पास को 500 प्लस पेयर लगे हुए, माशाल्लाह। तो उससे मुझे इतनी ज़्यादा इंस्पिरेशन हुई कि मैंने कहा भाई अब जो है ना, इंशाल्लाह ताला मैं भी लगाऊंगा, और मैं भी किसी मुकाम पर इंशाल्लाह ताला पहुंचूंगा। तो इंशाल्लाह ताला उनसे भी थोड़ी बहुत गाइडेंस ली, और ऐसा ऐसा जो है वो मेहनत भी करते गए, और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये उन्हीं, मैंने दो कोमल रिनों के पेड़ से काम शुरू किया था जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद एक मैंने केज बाय किया था, तकरीबन 12,000 का वो आया था और 10,000 का मेरा बर्ड आया था। तो ये मेरी इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी, तो उधर से मैंने काम स्टार्ट किया था, और माशाल्लाह फिर उनके ब्रीड आई, मैंने ब्रीड रोक ली, एक साल तक मैंने उनकी ब्रीड रोकी थी जी जी, और मेरे पास तकरीबन 20 के करीब बच्चे आ गए थे माशाल्लाह। तो माशाल्लाह वो मैंने रोक के फिर 19 से दोबारा मैंने पेयरिंग की, तो माशाल्लाह अगले साल मेरे जो थे वो तकरीबन 2 पेयर पहले वाले और तकरीबन 7 पेयर और मेरे बन गए थे। तो उसके बाद मैंने उनके फिर बर्ड से सारा जो ब्रीड है फिर मैंने सेल करना शुरू किया। उसके बाद फिशर की डिमांड थी उस टाइम, तो मैंने फिशर लगाया, फिर ब्लू मास की डिमांड बढ़ी, साथ साथ मैं अपग्रेड हर साल ब्लू मास लगाया, फिर उसके बाद पर्सनालिटा ब्लैकेज था और पर्सनालिटा रेडेज था जी जी, फिर वो लगाया। उसके बाद अल्बाइनो ब्लैकेज रेडेज की तरफ आए, और उसके बाद माशाल्लाह काम चलता गया। पहले मेरा शेड नीचे था, शेड नहीं था बना हुआ, घर में नीचे रखे थे, तो माशाल्लाह उन्हीं से कमा के मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सारा शेड बनाया, सारे केजेस खरीदे। लेकिन ऐसा ऐसा खरीदे, टाइम लगता है हर चीज़ का, आपके ना कि एकदम से सब कुछ हो जाए वो नहीं होगा। हाँ, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, अच्छी इन्वेस्टमेंट है, देन आप जो है ना वो
पैसे लगा के आप आ सकते हैं। अगर आपके पास थोड़ी इन्वेस्टमेंट, आप 1 लाख से भी शुरू कर सकते हैं जी। तो आप कॉमन लैटिनो का वहाँ आपको फिजिबिलिटी रिपोर्ट दे दूंगा इंशाल्लाह ताला, तो वो आप उसमें भी आप यानी के काम कर सकते हैं, 1 लाख से भी शुरू कर सकते हैं। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो वो फिर सोने पे सुहागे वाला काम है, तो इंशाल्लाह ताला अच्छे बर्ड्स में इन्वेस्टमेंट करें, अच्छी चीजें लें और हमेशा घर से बर्ड खरीदें, बर्ड ब्रीडर के घर से देख के बर्ड लें, ठीक है। क्योंकि जो है ना मार्केट में अक्सर ही होता है कि थोड़ा बहुत वायरस आने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो अगर आप कामयाब बर्ड लवर भी हैं और बनना भी चाहते हैं तो हमेशा घर से परचेस करें, पट्टे परचेस करें, कोशिश करें। और अगर ब्रीडर पेयर आपको मुकम्मल एक सेटअप मिल रहा हो जी और आपको जानने वाला हो, फिर आप उससे ब्रीडर पेयर भी परचेस कर सकते हैं, पट्टे भी। आप जिस तरह ये मौसम है गर्मी का, तो इस टाइम पे ना आपको चाहिए कि आप बिल्कुल बच्चे ना लें, इस बार आप पट्टे खरीदें जो कि 5 से 6 माह के हों, क्योंकि 3 महीने बाद दोबारा इनका जो सीजन चलेगा, तो उसके बाद जाके जो है ना वो पट्टे तकरीबन रेडी हो जाएंगे और आपका टाइम कम वेस्ट होगा। अगर आप अभी 2 महीनों का पट्टे लेंगे तो आपको 8 महीने और वेट करना पड़ेगा, तो अगर आप 6 महीने के लेंगे तो 4 महीने वेट करके आपका सीजन शुरू हो जाएगा, ठीक हो गया। तो अवैस भाई, हमारे व्यूवर्स को ये भी बताइएगा कि जो आपने 2 पेयर लिए थे वो उसमें आपने कितनी इन्वेस्टमेंट की थी और आपने केजेस वगैरह भी उसके लिए लिए थे, तो टोटल कितने पैसे आपके लग गए थे उसमें? मेरे 12,000 का केज आया था उस टाइम, 8 खानों वाला जी, और 10,000 रुपये के बर्ड आए थे, ठीक हो गया माशाल्लाह। तो आप ये भी बताएं कि अब आपको इसमें कितनी देर हो गई या कितने साल से आप ये काम कर रहे हैं? मैं 2014 से शुरू किया, 2014 यानी कि 9 साल आपको होने को है, हाँ, तो माशाल्लाह आपको काफी एक्सपीरियंस भी होगा इस बारे में, बिल्कुल ऐसे। तो आप अब ये बताएं कि मैक्सिमम आपका इस वक्त जो सेटअप है वो माशाल्लाह से कितने का है तकरीबन? टाइम तो मैंने वैसे कभी हिसाब से नहीं लिया, क्योंकि इस वक्त ना देखें हर चीज़ के प्राइस डबल ट्रिपल हो चुके हैं। अगर मैं हाली इसी केस की बात करूँ ना, अगर आप ये अभी नया बनवाते हैं जी जी 8 खानों वाला 1.5 रुपये 2, तो इसका मुझे अभी 36,500 रुपया रेट मिला जी जी। तो आप एक केस ही हिसाब लगा लेंगे, अगर अभी आप सेटअप शुरू करते हैं ना जी जी, तो आपको ये अगर 2 केज भी लेने पड़े तो आपका 70,000 कहीं नहीं गया, ठीक हो गया। तो माशाल्लाह से इस तरह के कितने केजेस लगे हुए हैं आपके? मेरे को तकरीबन है 8 से 10 केजेस। 8 से 10 केजेस। तो आप अभी के हिसाब से अपनी प्राइस बता के, तो अपने जो बर्ड्स लगे हुए हैं मोटिवेशन के लिए हमारे व्यूअर्स को जरा बता दें। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तकरीबन मेरे पास तकरीबन समझ लेंगे 8 से 10 लाख के करीब का था माशाल्लाह। अवैस भाई, आप ये भी बताएं कि जो लास्ट ये सीजन गुजरा है जी, माशाल्लाह से क्या प्रोग्रेस रही इसकी? आप माशाल्लाह अच्छी प्रोग्रेस आई है, मैंने इस पर फिंचेस ऐड की थी बंगलाइज, उसके अलावा मैंने रेड एज बंगलाइज लगाई है जी जी। उसके अलावा मैं फोन जावा की तरफ आ रहा हूँ, और इसके अलावा लबड़ में मेरी वर्किंग है जी, जो कि मैं पुराना यानी कि उसी का शौकीन हूँ लबड़ का, ठीक है। लबड़ से ही हमने अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीजें लगाई थी, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा सीजन रहा जी जी, तकरीबन अच्छी ब्रीड आई। तो माशाल्लाह से कितना कमाया आपने? ये भी एस्टिमेट नहीं किया, तकरीबन लगभग जो है ना वो 7 to 8 लाख के करीब तकरीबन आई माशाल्लाह। तो अवैस भाई, मैं ये देख रहा हूँ कि आपके सेटअप में माशाल्लाह से काफी किस्म के म्यूटेशन लगी हुई है, लबड़ लगा हुआ है, जावा लगा हुआ है, कनोर लगा हुआ है, सन कनोर लगा हुआ है, और माशाल्लाह से ये बंगलाइज भी लगी हुई है। तो आपने माशाल्लाह से काफी ज्यादा बर्ड्स रखे हुए, इसकी क्या वजह है कि आपने इतनी ज्यादा म्यूटेशन जो है, इतनी ज्यादा इसमें स्पीशीज रखी हुई है मुख्तलिफ किस्म की? इसमें ही है कि मेरा शौक भी है, आप बंदा ना एक चीज रख रख के ना बंदा थोड़ा सा हो जाता है, वो इसी चीज को देखता रहता है, ठीक है। तो मैं ही कोशिश करता हूँ हर साल नई म्यूटेशन ऐड करूँ जी जी। तो इस तरह करते करते मैंने बड़े लबड़ रखे है, मैंने उस टाइम पे फिर डब भी लगाई थी जी जी। उसके अलावा मैंने चिड़िया भी, वो जो फिंचेस होती थी उनकी कलोनियां भी लगाई मैंने, जावा भी लगाई थी, यानी अपने 2014 से लेके 2023 तक के सफर में जी जी हर चीज मैंने लगाई है। फिर उसके बाद मैंने वो खत्म करके और म्यूटेशन में आ गई जी। तो आजकल अल्हम्दुलिल्लाह लबड़ की बहुत अच्छी म्यूटेशन आ गई है। आपको ये अगर मेरे से अगर आप पूछे तो आप क्रीमिनो और डकिनो और बिनो रेडिस कमर्शियल बर्ड्स पे काम करें जी जी, माशाल्लाह बहुत अच्छा उसका रिस्पॉन्स आता है, ठीक हो गया जी। तो माशाल्लाह से आप ये बताएं कि किस बर्ड का एक्सपीरियंस माशाल्लाह से आपका बेहतर रहा, किस में मजा आया काम करने का? मेरे माशाल्लाह लबड़ की भी बहुत अच्छी ब्रीड आई है, फिंच की भी बहुत अच्छी ब्रीड आई है, और उसके अलावा कनोर की भी बहुत अच्छी ब्रीड आई है, सारों की ब्रीड अल्हम्दुलिल्लाह आई है मुझे, सही हो गया। तो वैसे तजर्बा किस में बेहतर रहा ये पूछ रहा हूँ, व्यूअर को बताएं कि वो कौन सी चीज लगा सके। लबड़ बहुत फास्ट ब्रीडर है जी, और उसके बाद जो है ना उसके बाद बारी आती है जावा की जी। माशाल्लाह जावा भी बहुत अच्छे ब्रीडर है, अगर आप लगाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं ना कि आपके पैसे जल्दी रिकवर हो जाए, ब्रीड भी ज्यादा तेजी से आए और जल्दी आए जी, तो उसके लिए लबड़ है नंबर 1 पर, नंबर 2 पर जावा। जावा तो माशाल्लाह से पूरा साल ब्रीड करती रहती है। हाँ जी, ब्रीड तो सारे बर्ड करते हैं, हम अगर बॉक्स ना भी उतारे सब करते रहेंगे, लेकिन हम ना हबस के महीनों
महीनों में उतार देते हैं जी। इसकी वजह ये होती है बाहरी टेम्परेचर खाली मिसाल के तौर पर 42 है जी। टेम्परेचर तो बॉक्स के अंदर का टेम्परेचर ज्यादा होता है, ठीक है, 5 से 8 टेम्परेचर बॉक्स का ज्यादा होता है। ना परिंदा सही तरीके से खाता है, ना वो पेट करवाता है, बच्चे से इतना नहीं पलेंगे। तो बेहतर ये होता है कि हम 3 महीने ना हम रेस्ट देते होते हैं। आप देख सकते हो माशाल्लाह मैंने बॉक्स उतार दिया है जी, बिल्कुल। जून आ गया, अब जून जुलाई अगस्त जी, अगस्त के एंड में मैं यहाँ 14 अगस्त को आजादी वाले दिन इंशाल्लाह बॉक्स लगाएंगे और फिर इनको तकरीबन 1 महीना इनको लग गया था सेट में, ये सेट होंगे और उसके बाद जो है ना वो मामला आगे चलेंगे, ठीक होगा। अवैस भाई, हमारे जो व्यूवर्स हैं वो आपसे पूछना चाह रहे होंगे कि आपने इसमें क्या क्या आपको डिफिकल्टीज आई, क्या क्या मुश्किल आई है, क्योंकि लोगों को ना इसमें बहुत ज्यादा जब वो इस काम में आते हैं तो प्रॉब्लम्स बड़ी फेस करते हैं जी जी। तो आपने क्या प्रॉब्लम फेस की इसमें? शुरू शुरू में देखें, जब एक नया बंदा किसी भी काम में आएगा ना जी, उसको किसी चीज के बाद बहुत नॉलेज नहीं होती जी। जब मैं नया आया था मुझे ये नहीं था पता पिंजरे किधर से बनते हैं, परिंदा किधर से लेना, मार्केट से लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, फिर मुझे ये नहीं था पता कि कौन से टाइम पे कौन सा बर्ड में इन्वेस्टमेंट करनी है जी। तो उसके लिए ना आपके उस्ताद को आना बड़ा जरूरी है। उस्ताद ना हो यानी कि हो ना हो, कहने का मसला है कि अच्छा दोस्त आपको मिल जाए ना जो आपको गाइडलाइन दे दे, तो फिर अब इसमें आपकी जो है ना डिफिकल्टीज बहुत हद तक कम हो जाती है। आप कोई भी मसला आएगा आप उसको फोन करेंगे या व्हाट्सएप कर देंगे भाई मुझे ये मसला आ रहा है, वो आपको गाइड कर देगा। एक आपका ना और उस्ताद या दो एक अच्छा दोस्त का होना बहुत जरूरी है। तो अवैस भाई, उस्ताद भी होगा। तो अवैस भाई ये भी बताएं कि आपका भी कोई मेंटोर है या आपने कोई मेंटोर वगैरह नहीं रखा हुआ? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत अच्छे अच्छे भाई हैं जिनसे मैंने सीखा है जी। मेरे एक से दो है काफी अच्छे मेरे यानी ताल्लुका है उनके साथ और शुरू से मैंने उनसे बहुत कुछ सीखे, ठीक हो गया, सीखा है, उनकी गाइडलाइन ली है, फिर मैं उसके बाद खुद भी यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह इस काबिल हो गया, मैं आगे भी लोगों को गाइडलाइन देता हूँ। जिस तरह उन्होंने मेरे लिए आसानियाँ पैदा की थी, आज मैं उनके लिए आसानियाँ पैदा कर रहा हूँ जो आने वाले नए व्यूअर्स हैं उनके लिए। सही बात है, बिल्कुल। अगर आप किसी के लिए आसानी पैदा करेंगे तो आपके लिए अल्लाह ताला आसानियाँ बनाता जाएगा। आपको इस काम में यही है कि हमेशा दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें, तब जाके आप खुद कामयाब होंगे, ठीक हो गया। तो अवैस भाई हमें ये भी बताएं कि जो हमारे फैंसियर हैं, न्यू फैंसियर जो इसमें इंटर हुए हुए हैं जी, तो वो नेक्स्ट साल के लिए क्या लगाएं, क्या चीज़ वो बेहतर रहेगी उनके लिए? नेक्स्ट सीजन में अगर आप लव बर्ड की बात करते हैं जी, तो आप कमर्शियल बर्ड पर वर्किंग करें, लेकिन अल्बाइनो रेड आइज, अल्बाइनो ब्लैक आइज जो स्प्लिट होते हैं रेड आइज के जी, जी वो पेड़ लगा लें, ठीक है। और उसके अलावा अल्बिनो रेड आइज की तरफ आ जाएं आप, और अल्बिनो रेड आइज को आपने प्योर कभी भी रेड नहीं लगाना, हमेशा उसको ब्लैक आइज के साथ लगाया जाता है जी। आप सबसे बेहतरीन आज मैं आपको वर्किंग देने जा रहा हूँ जी जी, बताएं। शायद बहुत कम लोगों ने दी होगी जिससे बहुत अच्छी अर्निंग होती है जी। अगर आप, मैं कहूँगा वो 100 पेयर भी आप लगा लें अगर आपको इन्वेस्टमेंट है जी जी, तब इंशाल्लाह ताला अगले साल मुझे दुआएं जरूर देंगे इंशाल्लाह। वो सबसे बेहतरीन पेयरिंग है डेकिनो इंटोल बाइनोरेड, माशाल्लाह। उसमें आपको 3 तरह के बर्ड आएंगे, उसमें आपको डेकिनो भी आएगा, क्रीमिनो भी आएगा और एल्बिनो रेड भी आएगा, ठीक हो गया। तो सबसे बेहतरीन बर्ड पेयरिंग है ये अगर जिस बंदे को मालूम नहीं है, इलम नहीं है, इतना नॉलेज नहीं है, वो भी ये न्यू फैंसियर भी ये इस पेयरिंग को कर सकता है या नहीं? कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मैं एक बात कहूँगा कि जो भी नया फैंसियर है ना, वो सबसे पहले तो अपने लिए एक उस्ताद या अपना एक अच्छा दोस्त जरूर ढूंढ ले, ठीक है, जो उसको गाइडलाइन देने वाला हो। फिर उसके बाद ना वो सस्ती पेयरिंग से काम शुरू करे जी। अब सस्ती पेयरिंग में ना सबसे अच्छी पेयरिंग आती है कॉमन लटीनो की जी जी, जो कि पीच फेस वैरायटी है, ठीक है, नॉन रिंग बर्ड होता है जी। वो आपको जो उसकी मार्केट वैल्यू है ना वो तकरीबन 6,000 रुपीज का आ रही है ब्रीडर पेयर की जी। और बच्चा आपको मिल जाता है 1,800 से 2,000 रुपये जी, ठीक है। आप शुरू शुरू में आपको फिजिबिलिटी भी छोटी सी दे देता हूँ, किसी के पास लाख रुपये है ना जी, उसमें कर सकता है। मिसाल के तौर पर आपने 2,000 रुपये एक बच्चा जी, आपने 40 बच्चे आपने खरीद लेना जी, ठीक है ना, 40 बच्चे वो खरीद लें, एक केज खरीद लें और तकरीबन 6 महीने आपने वेट करना, दाना पानी खिलाना जी। उसके बाद जब वो बड़े होंगे उनको अलग अलग 4-4, 5-5 बर्ड इकट्ठे छोड़े, देखें उनमें से जो खुद पेयर बनता है ना वो आप अलग कर लें कोई ना कोई निशानी लगा के जी। और उसके बाद जो बाकी पेयर है वो आपने मेल फीमेल जो है ना जोड़ों से चेक हो जाते हैं। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आती फिर आप DNA करवा लें जी जी। तो DNA होता है तकरीबन 700 रुपये तक का DNA हो जाता है पर बर्ड का। तो आपको जिसकी समझ नहीं आती DNA करवाए, कोमोलटीनो से अपना काम शुरू करें, वो सीखें, एक गर्मियां गुजार लें, एक सर्दियां गुजार लें। बीच में मौसम आता है हबस का, वो बहुत डिफिकल्ट होता है जी। उसमें आप कूलर भी नहीं चला सकते, पंखे चलाने पड़ते हैं, ये कूलर चाह रहा है तो फिर उसका पानी बंद करना पड़ता है जी। तो ये चीज़ें काफ़ी होती हैं। फिर आप विटामिन के हवाले से जो अच्छे विटामिन है वो यूज़ करें, पोल्ट्री वाले भी कर सकते हैं, इम्पोर्टेड भी कर सकते हैं, वो आपके बजट पर होता है।
नया फैंसी है, पोल्ट्री वाला भी कर ले, इतना मसले वाली बात नहीं है, ठीक हो गया। तो वो आप इंशाल्लाह शुरू करें कोमल टीना। उसके अलावा उसके बाद अगर आप थोड़ा सा ऊपर आएंगे आप बिलू फिशरी स्प्लिट टीना जो होती है जी जी, वो ऐसी पेयरिंग है तकरीबन 7000 का उसका पेयर आता है और उसमें 50% चांसेस होते हैं स्प्लिट टीना के वो अपने जैसे बर्ड तो निकालेगा निकालेगा बिलू फिशरी स्प्लिट टीना, तो वो अल्बाइनो रेडिस के बच्चे भी निकालता है, और वो एक बच्चा ही तकरीबन 12000 का सेल होता है, यानी वो नए फैंसियर के लिए भी है ना बिलू फिशरी के बहुत अच्छा काम है, साथ में कोमल टीना लगा लें। जब आप एक साल गुजार लें तो ये आपके पास ये फिर सारे जोड़े आपके पास फॉस्टिंग के तौर पर यूज हो जाएंगे, जितना भी आपके पास 10 पेयर होंगे 5 पेयर होंगे 8 पेयर होंगे, उसके बाद आप अपनी इन्वेस्टमेंट करें अल्बाइनो रेडिस इंडू डकिनो, ठीक हो गया, वो उसके ऊपर चले जाएं, उसमें से आपको डकिनोज भी आएंगे, क्रीमनोज भी आएंगे, अल्बिनो रेडिस भी आएंगे, ठीक हो गया। उसके बाद उसके नेक्स्ट ईयर की वर्किंग होगी वो पेल फेलो में आप चले जाएं, ठीक हो गया। उसके ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है पेल फेलो अपलाइन, ठीक है। उसके बाद उससे ऊपर वाली इन्वेस्टमेंट है पार ब्लू पेल फेलो अपलाइन की जी जी, जिसका अभी तकरीबन चिक जो है ना वो तकरीबन 2.5 लाख रुपए का एक बच्चा बिक रहा है, माशाल्लाह। जो लोग जो हाई लेवल पे काम कर रहे हैं वो इसी लेवल पे काम कर रहे हैं, लेकिन मैं कभी नहीं कहूंगा कि आप डायरेक्ट 2.5 लाख वाला बल्ब लेना, देखिए आपको एक सर्दियां नहीं गुजारी, गर्मियां नहीं गुजारी, आपको टेम्परेचर का नहीं पता, मेडिसिन का नहीं पता, खुराक का नहीं पता, उनको संभालना किस तरह जी जी, ये बहुत इजी काम है, सर पे सवार करने वाली कोई चीज नहीं है जी जी, मैं बता इसलिए रहा हूँ आपको हर चीज का पता होना चाहिए, बहुत कम लोग ये गाइड करते हैं जी, बस आप पैसे लगाएं कमाना शुरू हो जाए ऐसे नहीं होता जी जी, थोड़ा सा सीखें पहले जी, सीखने के लिए आप छोटे बर्ड में इन्वेस्टमेंट करें, एक साल अपना दे दें छोटे बर्ड को, जब आप छोटे बर्ड को समझ जाएंगे एक साल आप ब्रीड हैगी आपको हौसला होगा यार बाकी इसमें बच्चे आते हैं, तो यही अगर मैंने 20000 वाला पेयर लगाया था तो आज मेरे पास 2000 की बजाय 10000 का बच्चा आता है, जब आपको वो चीज आपके इंटरेस्ट लेवल इतना हद तक बढ़ा देगी कि आप लोग कहेंगे कि यार वाकई हमें जो है ना थोड़ा आगे बढ़ना, इंशाल्लाह वो आपका प्लस पॉइंट होगा, ठीक हो गया। तो अवैस भाई बात ये होता है कि चलो बंदे ने बर्ड खरीद लिया परचेज कर लिया उसके बाद उसने ब्रीड भी करवा ली, तो सेल में इसमें आके बड़ा मसला होता है, बड़े इश्यूज आते हैं कि सेल ही नहीं होता उसका बर्ड, तो सेल करने के लिए वो क्या करे उसको, सेल करने के लिए बहुत सी आजकल ना देखिए ऑनलाइन जमाना जी, आजकल वो जमाना नहीं रहा कि पहले आज से ना 2012 से पहले बर्ड की वैल्यू भी बहुत कम होती थी जी, जब हम मार्केट बर्ड लेने जाते थे आप 10000 का पेयर देते थे, जब आप वापस करने जाते थे आपसे 2000 का भी निकल जी, उस टाइम पे ना बर्ड लवर कम होता जा रहा था, तो जब से ये इंटरनेट के ऊपर मैंने भी ग्रुप ज्वाइन किया था उस टाइम पे बर्ड प्लैनेट का जी जी, तो अभी तो पता नहीं मुझे नजर नहीं आया आजकल वो किधर गया है, तो शायद सेक्शंस वगैरह आ गई थी, तो उस टाइम पे उसमें सिर्फ ना 10000 बंदा ऐड था, और लास्ट टाइम जब मैंने देखा उसमें तकरीबन 3 लाख से ऊपर बंदा था, सही है। आप फेसबुक पे ग्रुप ज्वाइन करें जिसमें तकरीबन 20-25000 से ऊपर बंदा हो, ठीक हो गया, उसमें ऐड लगाए, ओएलएक्स पे महीने में एक दफा ऐड लगती है जी, आप ओएलएक्स पर एक ऐड लगा लें जी, उसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप में काफी ज्यादा जी जी, आप उसमें ऐड लगा लें, फिर सारे काम करने के बाद दूसरे ऑप्शन जो है वो मार्केट देती है, या इसके अलावा वैसे इजीली पेड सेल हो जाते हैं, 3 महीने मुझे आज तक मार्केट जाने की जरूरत नहीं पड़ी, मैं एक ऐड लगाता हूँ डिफरेंट जगह पे लगाता हूँ, तकरीबन 20+ ग्रुप्स हैं, ठीक है, उसके अलावा व्हाट्सएप पे ग्रुप हैं, तो व्हाट्सएप स्टेटस लगाता हूँ, क्योंकि मेरा घर बहुत लाइन बन चुकी है ना, लोगों ने काफी नंबर मेरे सेव किए, तो माशाल्लाह ये आगे मेरा बर्ड इजीली सेल हो जाता है। आप चीज वो लगाएं जो कमर्शियल लेवल को से कहते हैं इसकी वैल्यू हो, जिसको दुकानदार भी गया अल्बिनो रेडिस लगा लें, आज मैं वो कह रहा हूँ सबसे अच्छे वर्किंग है डकिनो और अल्बिनो रेडिस, आप डकिनो ले जाए मार्केट में, क्रीमिनो ले जाए, अल्बिनो रेडिस ले जाए, मार्केट वाला भी आपको बहुत अच्छे पैसे देगा, क्यों, क्योंकि इस बर्ड की वैल्यू ही बहुत ज्यादा है और आने वाले सालों में भी इसके बर्ड में वैल्यू रहनी है। देखिए आजकल बाहर हालात बहुत खराब है, पाकिस्तान के हालात मुल्क जो है ना काफी डिफॉल्ट हो चुका हुआ था, लेकिन शो नहीं करवाया जाता ताकि जो है ना ज्यादा मामला खराब ना हो, लेकिन हमें फिर क्या करना, हमने क्या किया, हमने कुछ भी नहीं किया जी। और हम अब हमें करना होगा, अब हमें साथ साथ अगर हम जॉब कर रहे हैं तो हमारे जारी बात है, जब डॉलर ऊपर गया हर चीज का रेट डबल हो गया, कुकिंग ऑयल जो पहले 150 का आता था आज हम मैं कल लेके आया 630 का आया, कितना फर्क पड़ गया, पे तो आपकी उतनी है जी। तो आपको आगे बढ़ने के लिए अपने शॉर्ट शॉर्ट जो है ना इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ेगी, अब ये ऐसी इन्वेस्टमेंट है, देखिए सुबह आपने 1 घंटा देना है, आप सुबह उठे फजर की नमाज पढ़े, अल्लाह को याद करें, कुरान की पढ़े, सीधे ऊपर है रिस्क, अल्लाह ताला कहता है फजर के टाइम अल्लाह ताला रिस्क मानते हैं और हम लोग सो रहे होते हैं, हमारा सबसे बड़ा जो
मसला ना हमारे मुसलमानों के जवाल का, हम लोग जवाल का टाइम काम शुरू करते हैं, किसी बंदे को आजकल ये नहीं पता होना जवाल का टाइम कितने बजे होते हैं। जी जी, आज का टाइम है 11:15 से 12:15 बजे। जी जी, जवाल का टाइम हमारे लोग जो उठते उसी वक्त है, हमारे लोग उठते उस वक्त हमारे बाजार जवालों के टाइम भी खुल रहे हैं, तो हम मुसलमान बर्बादी की तरफ क्यों जाए? जब आपने सुबह नहीं उठना, आपने नमाज नहीं पढ़नी, आपने अल्लाह को याद नहीं करना, आपने कुरान को नहीं पढ़ना, आपने समझना नहीं है, आपने उठना है, मोबाइल देखना है, नाश्ता किया चले गए, उधर के जोहर की नमाज हो रही होती है, हम नाश्ते कर रहे होते हैं। सही बात है, हम अल्लाह को भुला चुके हुए हैं, जिसकी वजह से फिर हमारे ऊपर ये इस तरह के हुक्मरान और इस तरह के हमारे ऊपर आजमाइशें, इस तरह के सैलाब, जलजले और इस तरह की चीजें आती हैं। सही बात है, हमें सबसे पहले अपने आप को ठीक करना होगा। ठीक है, मुसलमान मुसलमान, ठीक है ना, 5 वक्त की नमाज का आदि बनेंगे, खाली पैसा कुछ भी नहीं होता, ये इधर ही रहेगा ना। आज आज मेरी जान निकल जाए, मेरे क्या कुछ भी नहीं है, घर वालों ने बेच बढ़ के खत्म कर देना। मेन मसला है, हमें सबसे पहले एक मुस्लिम यूनिटी बनना होगा। ठीक है, 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे, कुरान मजीद पढ़ेंगे, अल्लाह को याद करेंगे, उसके बाद सुबह सुबह ही काम शुरू करेंगे, दाना पानी डालें, इनको पानी डालें, 100 फुट डालें, आप अपने काम पे चलेंगे। ठीक है।